सूबे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 27 मई तक आचार संहिता लागू है, जिसके चलते देहरादून नगर निगम को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र में कई जरूरी टेंडर प्रक्रिया होनी थी, लेकिन आचार संहिता के चलते सभी टेंडर प्रक्रिया रुकी पड़ी है, जिसकी वजह से नए बने वार्डो में सफाई व्यवस्था, सड़कों के कामकाज और कई अन्य कार्य नहीं हो पा रहे। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे की माने तो उन्होंने इसके लिए उत्तराखंड शासन को चिट्ठी लिखी है कि जल्द से जल्द कुछ जरूरी कामों के लिए निर्वाचन की ओर से उनको अनुमति दिलाई जाए, ताकि जनता की समस्याओं को दूर किया जा सके। तो आपको बता दें, आचार संहिता से टेंडर प्रक्रिया रुक चुकी है, और साथ ही आपको यह भी बता दें कि नगर आयुक्त ने इसको लेकर चिट्ठी लिखी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आचार संहिता लागू की गई है। उत्तराखंड शासन को ये चिट्ठी उनके द्वारा, नगर आयुक्त के द्वारा लिखी गई है। आचार संहिता ने मुश्किलें कहीं ना कहीं कारोबारियों की बढ़ा दी है, ऐसा नजर आता है। नगर निगम के कार्य में हालांकि रुकावट भी आ रही है। बात अगर नगर निगम के कार्यों की जाए तो नगर निगम के कार्यों में रुकावट आ रही है आचार संहिता से, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया भी रुक चुकी है।